तो इस प्रतियोगिता में जिन टीमों ने भाग लिया है उनका मार्च पास्ट करने की अनुमति। सबसे पहले श्री धीरेन्द्र वर्मा कमांडेंट 38 बटालियन, अन्य अधिकारीगण इस प्रतियोगिता में बान बटालियन ने किसी कारणवश भाग नहीं लिया। प्रत्येक टीम के हर खिलाड़ी ने कोर्ट कांस्टेबल जीडी संदीप कुमार वेंकटराव के बाद कांस्टेबल जीडी जितेंद्र वर्मा, मनीष अल्को है क्या, और जो थर्ड पोजिशन लिया था उसका टाइम था 4 घंटा 23 मिनट और 59 सेकंड, केवल 20 सेकंड का अंतर है दोनों टीमों में। नंबर टू कांस्टेबल जीजी एससी जीडी जयराम प्रसाद। अब आप सबको विदिती है और सब लोगों के सामने दौड़ एकदम निष्पक्ष रूप से हुई है। फर्स्ट पोजिशन जम्मू सेक्टर की ओर से इंटर ऑपरेशन बटालियंस और ग्रुप सेंटर्स का क्रॉस कंट्री कंपटीशन 38 वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्माइलपुर में आयोजित किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि J&K एक ऑपरेशनल फील्ड है, ऑपरेशनल एरिया है, जवान यहां पर सख्त ड्यूटी करते हैं और सख्त ड्यूटी के साथ साथ खेलों का होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो उसी ध्येय को और महत्वता को ध्यान में रखते हुए इस खेल का भी आयोजन किया गया। क्या कुछ खेलें इसमें करवाएगी, कितने पार्टिसिपेट किया आपकी बटालियन? हाँ, इसमें 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है जिनमें 12 बटालियन हैं, परिचालनिक बटालियन हैं और 2 समूह केंद्र हैं, समूह केंद्र जम्मू और समूह केंद्र हीरा नगर। नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा कि लगातार परिचालनिक ड्यूटी जवान करते हैं, रात दिन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, उनमें जवान कार्यरत रहते हैं। तो थोड़ा सा खेल अगर उनके जीवन में हिस्सा बने रहते हैं तो उनकी एनर्जी, उनका मानसिक संतुलन ये सब बरकरार रहता है और आपस में खेल की भावना, टीम स्पिरिट, ये सब उनके बीच में डेवलप होता है जो हमें हमारे प्रोफेशनल कार्यों में भी बहुत सहायक है। और इससे एक बटालियन के जवान दूसरी बटालियन के जवानों के साथ में भी मिल पाते हैं और थोड़ा सा हर्षोल्लास होता है। और जो माना जाता है कि ड्यूटी की जो मोनोटोनी है वो भी ब्रेक होती है, तो ये सब लाभ हैं इन सब खेलों को कराने के।